करहल की चुनावी जंग बहुत ज्यादा रोचक हो चुकी है और ऐसे में एक तरफ सैफई परिवार है, अखिलेश यादव चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एसपी सिंह बघेल। और एसपी सिंह बघेल पहले भी सैफई परिवार से चुनावी मुकाबले में उतर चुके हैं और इस बार पूरा परिवार उनको इस जंग को जिताने में जुट गया है। उनके बेटे पार्थ बघेल जो MBBS के स्टूडेंट हैं, कानपुर मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं, वो भी लीव लेकर लगातार अपने पिता के साथ इस समय चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। पार्थ, किस तरह से देखते हो आप, बचपन से लगातार देख रहे हो कि आपके फादर लगातार एक के बाद एक चुनाव लड़ते रहे हैं, 5 बार के सांसद हैं, सेंट्रल मिनिस्टर हैं, इस बार लेकिन जो कहा जाए पूरी फैमिली जुटी हुई है, किस तरह से आप लोग लगे हो? क्या है ना कि ये जो चुनाव है ना, ये हार जीत MP MLA मिनिस्ट्री इससे बहुत बढ़कर है। ये साख का चुनाव है। 2009 में हम लोग 2 बार लड़े और 2 बार हारे, 2014 में हमको हराया गया, तो कहीं ना कहीं अब बात है साख पे। और तब हम भी छोटे थे, अब हम लोग भी कह सकते हैं कि कॉलेज हो गया है या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, हम लोग भी कोशिश ये कर रहे हैं कि अगर दिन के 10-15-20 गांव कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो लोड पापा जी के ऊपर से कम हो रहा है। तो मेरी मम्मा अलग डायरेक्शन में जाती हैं, श्रीमती मधु बघेल, आपकी सिस्टर भी साथ में? हाँ, मेरी बहन डॉक्टर सलोनी सिंह वो भी अलग जाती हैं, मेरे जीजा जी शशांक शेखर जी वो भी अलग जाते हैं, और मैं भी कोशिश करता हूँ। ये हमारा कुछ गौरैया प्रयास है कि हम इतने बड़े महायज्ञ में कुछ आहुति दे पाए। क्या रह रहा है, किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? करहल कहा जाए समाजवादी पार्टी का एक अभेद्य किला है और उसको भेदने के लिए BJP ने आपके पिता को जिम्मेदारी दी है, तो चुनौती बहुत ज़्यादा कहा जाए तगड़ी है। कैसे देख रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है जब आप गांव-गांव जा रहे हैं, पब्लिक के बीच जा रहे हैं? ये एक ऐसा अभेद्य किला है जिसकी जनता 25 साल से इसको भेदना चाह रही है, बस उन्हें एक सेनापति नहीं मिल रहा था। और कहीं ना कहीं ये संयोग है कि पार्टी ने हमको वो सम्मान दिया और यहाँ की जनता कहीं ना कहीं वेट कर रही थी कि बस एक ऐसा नाम आ जाए कि हम भेद दें। तो क्या लगा सेनापति के तौर पर आपके पिता को जिम्मेदारी दी गई है, SP सिंह बघेल जी? बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा, बहुत सम्मान की बात है, गर्व की बात है, गौरव की बात है। इतिहास लिखने का मौका मिल रहा है, इससे बढ़कर क्या है। और आप बात कही इतिहास लिखने का मौका मिल रहा है, आप बताइए लगातार ये कई सारी घटनाएं ऐसी हुई हैं, अभी जो अतिकुल्लापुर गांव में जिस तरह से आपके पिता जा रहे थे, काफिले पर हमला हुआ है, मुकदमा भी लिखाया गया है और उस पर राजनीति है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि BJP बौखला गई है, ये प्लान्ड है, विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है, सिंपैथी गेन की जा रही है, इसको कैसे? सिंपैथी उनको गेन करने की जरूरत है जिनको हार का डर होगा, हमें ऐसी किसी चीज की जरूरत नहीं है। पैनिक उस खेमे में हो रहा है, पैनिक उस खेमे में हो रहा है, वो बौखला गए, उन्हें हार का डर सताया रहा है। अखिलेश जी कह के गए थे कि कार्यकर्ता हमको चुनाव लड़ाएंगे, मैं यहाँ नहीं आऊंगा, आज उनकी मीटिंग है, तीसरी बार करहल में वो आ गए, तो ये क्या है, ये पैनिक ही तो है उनके। जब वो पैनिक कर रहे हैं, जब लीडर पैनिक कर रहा है, तो कार्यकर्ता आपके पिता के उनके सामने आने से वो खुद विवश हो गए, आपको लग रहा है कि वो उन पूरी समाजवादी पार्टी ने ताकत झोंक दी है? बिल्कुल, उनका पूरा परिवार जो कभी डोर टू डोर नहीं जाते थे, आजकल भैंस बकरियों गाय के पैर छूते मिल रहे हैं कि बहन जी कहीं से वोट मिल जाए। मैं बस ये कहना चाहूंगा, अपने पिता की तरह कहीं ना कहीं सटायर की तरह सटायरिकल वे में बात करते हैं, और क्या लग रहा है इस बार किस तरह का चलने वाला है? क्योंकि हम आगरा में चुनाव वोट मांगे हैं गए हैं और मैं सच्ची बता रहा हूँ, आगरा यहाँ से 85 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ मेरे 11 दिन के चुनाव प्रचार में मैंने 120 गांव किए और मुझे एक भी दिन फील नहीं हुआ कि मैं आगरा के बाहर वोट मांग रहा हूँ, इतना अच्छा सपोर्ट है। क्या आपको लग रहा है कि इतिहास रचेगा, क्या अवैध किला भेद लिया जाएगा? बिल्कुल, 10 मार्च को आप भी होंगे, हम भी होंगे, चाय पियेंगे और बात करेंगे सिलेक्शन के बारे में। पार्थ बघेल पूरा परिवार लगा हुआ है, इनकी सिस्टर सलोनी बघेल, मदर मधु बघेल जो इनके कहा जाए ब्रदर इन लॉ हैं, वो भी और अपने पिता के साथ पूरी तरह से कहा जाए चुनावी कैंपेन में जुटे हुए हैं। SP सिंह बघेल एक रूट पर चलते हैं तो बाकी रूट बाकी गांव को पार्थ बघेल और परिवार के बाकी लोग कवर करते हैं। तो कुल मिला के कहा जाए करहल की इस चुनावी जंग में कहा पार्थ बघेल की तरफ से कहा जा रहा है कि यहाँ की जनता को एक सेनापति की तलाश थी, वो सेनापति नहीं मिल पा रहा था और उनके पिता के तौर पर वो तलाश पूरी हुई और इस बार जनता कहा जाए ऐतिहासिक बदलाव करेगी। करहल से नितिन उपाध्याय, ABP। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।